गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज आप लोग अब मैथ की पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। फिफ्थ टर्मिनल की मैथ की पढ़ाई है। अब इसमें हमने आपको उस दिन एक दिन पहले आपको फार्मूले लिखवाए थे पेरीमीटर और एरिया के। तो परिमाप और क्षेत्रफल, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं 14A का। इसमें पूछा गया है कि इस फिगर का परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है। तो हम आपको ये बता दें कि ये जो आपको वर्क मैं करा रहा हूं, ये आप डेली आप अपनी कॉपी पर करेंगे और जब करेंगे तभी काम आगे बढ़ पाएगा। आपको काम भी बढ़ाना है तो सुचारू काम भी करना होगा। तो पेरीमीटर में हम पहले देखते हैं फिगर, इसमें इन्होंने नाम अंकित करके दिए हैं। अगर जिस फिगर में नाम नहीं है तो नाम आप स्वयं कर सकते हैं, जैसे P से Q, Q से R, R से S, S से T, T से P। ये साइडों को उन्होंने शो कर दिया है और 3, 5, 6, 2, 7 ये नंबर भी अंकित कर दिए हैं। तो हम यहां पर सिंपल सा लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब इसका नाम हम फिगर रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी की। हमने साइडों के नाम लिख दिए, गिन सकते हैं हम साइडें 1, 2, 3, 4, 5 हमारी पांच साइडें आ गई। अब ये 3 है, ये 5, ये 6, ये 2, ये 7, इनका हम टोटल करते हैं। 3 में 5 जोड़ देते हैं 8, 8 में 6 जोड़ देते हैं 14, 14 में 2 जोड़ देते हैं 16, 16 में 7 जोड़ देते हैं तो 23 आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहां चलता है कि यहां सेंटीमीटर तो है नहीं ना मीटर है, तो हम कैसे करें। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस केवल 23 लिखकर ही छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अब ये देखिए, ए से बी 8 दे रहा है, बी से सी 6 है, सी से डी 7 है, लेकिन डी ई नहीं दी गई है ना एफ ई दी गई है, ए एफ दे दिया है 10। तो आप क्या करें, इन नंबरों को आप स्वयं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे देखो इस बॉक्स को हम यहां बंद कर देते इस तरह से, तो ये 6 है तो यहां पर 6 हो गया, ये पूरा 10 था तो इसका मतलब ये हमारा 4 रह जाएगा, क्योंकि 10 में से हम 6 को माइनस कर देते हैं। जब ये 4 रह गया इसका मतलब ये भी 4 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हम पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब आ जाइए ये कितना, ये भी देख ले, जैसे यहां से बॉक्स को ऐसे बंद करते हैं तो ये 8 आ गया और ये देखो 7 है, 7 आ गया, इन दोनों को मिला लेते हैं तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों सब साइड है, हमने लिख ली, अब साइडें लिख ली तो हम इसी तरह से पेरीमीटर भी लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ई। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स साइड है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स साइड हो गई। तो पहले में 8, दूसरे में 6, 7, 4, 15 और 10, इन सबको प्लस कर देते हैं, 8 में 6 जोड़े 14, 14 हो गया, 14 में 7 जोड़े 21, 21 में 4 जोड़े 25,
25 में 5 जोड़े 40 और 40 में 10 जोड़े 50, तो 50 आ गया। ये तो आपको पेरीमीटर निकालने का तरीका सिखा दिया, किस तरह से फिगर की डिजिट नहीं होती है तो वो भी बता दिया मैंने आपको। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे देखो एल एम एम एन टू है लेकिन एल डब्ल्यू नहीं दी गई है, तो ये इसके आगे 2 हो जाएगा। ये 3 है, ये 3, ये 2, तो ये 2, ये 3, तो ये 3, ये 1, जो सब आपके भर गए। अब आप प्लस कर सकते हैं, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 7, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 13, 13, 14, 14, 3, 17, 18, 18, 18 और 3, 21, 23, तो हमारे पास इस तरह हम इनको प्लस कर लेंगे। तो सभी जब प्लस कर लेंगे, हाँ 24 और रह गया, तो 24 हमारा इसका आ जाएगा, आप लिख देंगे। तो ऐसे ही हम फिगर बनाएंगे, और ये आपको केवल हम आप पहला क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ये फिगर में है, तो आप फिगर बनाकर अपनी कॉपी पर इसी तरह से सॉल्व करेंगे।